इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं पे भी टेरर दिखाया, इंस्टेंट एक्शन लिया। आप हिंदू टेरर बोलते थे, आज कहां है, गायब हो गया, वैनिश्ड। आपको पिछले 5 साल में दिखाओ तो बताइए क्यों? क्योंकि कहीं पे भी जरा सा भी दिखा, इंडियन गवर्नमेंट उसे रोक देती है। अब इस्लामिक टेरर चलता पाकिस्तान से है, जिसको रोकने की किसी कोई इच्छा नहीं है। आप करिएगा, मैं इसका जवाब देता हूं आपको। कोई रोकना नहीं चाहता उसे, इसलिए अब आपने नो नो बोला तो मैं आपको इसका एक और वो देता हूं। कश्मीर में ब्लास्ट होते हैं, गोलियां चलती हैं, अगर वो पाकिस्तान नहीं सपोर्ट कर रहा तो इसका मतलब वो इंडिजिनस टेरर है। तो फिर आप ये क्यों बोलते हैं कि भैया कश्मीर का इंडिपेंडेंस वो है, स्ट्रगल है, वो बोलिए ना वो टेररिस्ट है, बोलिए। आप नहीं बोलेंगे, आप बुरहान वानी ट्रेन चलाएंगे जो कि इंडिया के लिए टेररिस्ट था, जो कि टेररिस्ट था। अब बुरहान तो ये तो साफ दिखता ना, इंडिया के डिक्लेयर्ड, यूएन डिक्लेयर्ड टेररिस्ट आपके कंट्री में बैठे हैं। ओसामा बिन लादेन जिसको आपके प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में शहीद बोला, वो कहां थे? शहीद को अपने घर में रखा था ना आपने, जब तक अमेरिका ने पकड़ के मार नहीं दिया। तो आपको भी नहीं पता था, आपको खुद भी नहीं पता था, आपने ये क्लेम किया। कैसे नहीं पता था, इतना बड़ा टेररिस्ट था, अमेरिका को पता चल गया, वो वहां 1000 किलोमीटर 10000 किलोमीटर दूर बैठ के, आपको नहीं पता था। आपकी एजेंसी करती क्या है? अच्छा, पॉल की स्पीच सुने, वहां पर जो लोग काम करते हैं पाकिस्तान के F-16 के ऊपर किसको ऑब्जेक्शन थी? ये बैकग्राउंड में देखें शर्मा साहब, हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, हमें पता है कि कौन किसके पीछे है। आप मुझे सिर्फ ये जवाब दे दीजिए कि FATF के जब ये ऐलान हो रहा था तो आपके सहाफी इतने क्यूरियस क्यों थे पाकिस्तान के बारे में, अगर आप लोगों की ये कोशिश नहीं थी तो? इसका मुझे जवाब दे दें। अच्छा, अब मैं बात करता हूं जहान आलम पे। अब जहान आलम जो आप बता रहे हैं, उन्होंने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया, राइट? कोर्ट में जो स्टेटमेंट होता है वो पब्लिक स्टेटमेंट होता है जी, डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट में और कोर्ट में जो बोला जाता है वो पब्लिक स्टेटमेंट होता है, उसकी कॉपी हाथ में आ सकती है। तो वो कॉपी क्यों FATF में नहीं दी गई आपकी गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट में मैं निकाल सकता हूं, नहीं लिया गया FATF में तो कुलभूषण का नाम भी नहीं लिया गया भाई। आपकी गवर्नमेंट ये तो बोल सकती थी कि ये देखो जितने टेरर अटैक्स हमारे ऊपर बोले जा रहे हैं ये तो इंडियन गवर्नमेंट ने खुद लगाए, आपके डोजियर में लिख सकते थे। आप नहीं लिखा, आप डोजियर देते हैं राहुल गांधी का नाम लिखते हैं उसमें, ये जान आलम का नाम नहीं था। एक कोर्ट में एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल दे रहा है तो ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? अब टेरर पे एक्शन की बात की चीमा साहब ने, तो टेरर पे एक्शन लेना चाहिए तो पाकिस्तान एक्शन नहीं ले रहा, यही तो FATF बोल रहा है। और आपने बोला कि ये तो हर कंट्री में हो सकता है, भाई टेरर है कौन से कंट्री में? आपको अब तक नहीं पता होगा कि पाकिस्तान में टेरर होता है? तो एंटी टेरर स्क्वाड वहां इतने साल से बना रखा है, क्या कर रहा है वो? हम भी तो एक्शन लेते हैं, इंडिया भी लेता है, अभी उस पर भी आऊंगा। आपने 44 बैंक का नाम लिया था। जहां तक बात आपने बोला कि इंडियन मीडिया ने बोला कि टेरर इंडिया सपोर्ट करता है टेरर को, भाई इंडियन मीडिया तो ये भी बोलता है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर टेरर में इन्वॉल्व है, वो तो आपने सुना नहीं। इंडियन मीडिया ने आपको 10 बार बोला पाकिस्तान से टेरर आता है, वो नहीं सुना। ये कोई एक आपने छोटा सा कोई मीडिया पकड़ लिया उसकी बात सुन ली, अरे इंडिया के सारे चैनल्स ये बोल रहे हैं तो उसको भी आप 10 बार बोलिए जाके, उसको भी अपनी गवर्नमेंट को बताइए यार इंडियन मीडिया बोल रहे हैं जिसको हम कोट करते हैं दुनिया में, ये भी सुन लो, वो आप नहीं सुन रहे हैं, है ना। देन डिफेंस सेक्टर की बात की, इंडिया यूजेस प्रॉक्सीज, राइट? अरे इंडिया यूजेस प्रॉक्सीज तो आप इंडिया को टेरर पे क्लीन चिट क्यों देते हैं? आपके फॉर्मर सेक्रेटरी अभी करंट वाला क्यों नहीं बोलता? हर करंट डिफेंस सेक्रेटरी बोलता है कि पाकिस्तान इज एन एक्सपोर्टर ऑफ टेरर, और जब आप गद्दी से कुर्सी से बाहर हो जाते, एक रॉबिन राफेल भी है ना जिनके ऊपर यूएस ने एक्शन ले लिया, तो आपकी लॉबीज हैं, आप उन लॉबीज से कुछ भी बुलवा रहे हैं, आपके फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिनके रॉबिन राफेल, उनके खिलाफ एक्शन उन्हीं के गवर्नमेंट ने ले ली क्योंकि वो पाकिस्तान के फेवर में बोल रही थी और ऐसा बोल रही थी कि इंडिया को, जो इंडिया हमेशा से क्लीन चिट लिए घूम रहा है, सबको प्रूफ दे चुका है। FATF ने कभी नहीं बोला इंडिया को कि तुम्हारे साथ गड़बड़ है, ये 44 बैंक जो रिपोर्ट है इससे ज्यादा बड़ी बड़ी रिपोर्ट यूएस की आई है। यूएस ने क्लियरली बोला, यूएस की रिपोर्ट नहीं बोला कि जितने भी एक्शन टेरर के खिलाफ लिए हैं पाकिस्तान ने वो सारे के सारे रिवर्सिबल हैं, वापस रिवर्स किए जा सकते हैं। यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान टू अफगानिस्तान जिल्मे खलीलजाद, उनकी किताब है, उन्होंने लिखा कि हम लोग जो तालिबान से लड़ने के लिए पाकिस्तान को डिवाइसेस दे रहे हैं वो पाकिस्तानी आर्मी तालिबान को खुद दे रही है, वो भी आपने नहीं देखा। आप सिर्फ यही पता नहीं कौन से डिफेंस सेक्रेटरी को लेकर दे, फॉर्मर को देकर बैठ गए,
उस दिन में खलीलजाद ने किताब में लिखा भाई, देख तो लेते। खेगल कोई सेक्रेटरी वैसे ही रहे थे हवा में, उनकी कोई अहमियत नहीं थी। चले अब आपकी बात। नहीं, वो रिटायर्ड है ना, करंट वाला तो कभी नहीं बोला। जब वो करंट थे तो भी उन्होंने नहीं बोला था, रिटायर होने के बाद बोलते हैं। माइंडेड जब वो करंट थे उन्होंने तब बोला था। ये हिस्ट्री है इसको। चक हेगल उनका नाम था, और वो जब अपने सर्विंग थे उन्होंने उस वक्त ये बात की थी। अब आइए अब आपकी मैं बातों का जवाब देता हूँ। आप कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट ने कभी ऐसा नहीं बोला कि इंडिया इज सपोर्टिंग टेररिज्म एंड यूजिंग प्रॉक्सीज। स्टेट डिपार्टमेंट जो की बात करूं, मैं स्टेट डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा, जो डिपार्टमेंट एक्सटर्नल पे ये चीजें तो बोलनी चाहिए ना। वो रिपोर्ट उनकी होम डिपार्टमेंट को भी जा चुकी।